टू माई चैनल। तो आज है संडे और बहुत दिन हुए थे तो मैंने ना रेड वेलवेट केक का जो प्रीमिक्स है वो ला के रखा था और सोच रही थी कि यार बनाऊंगी बट हो ही नहीं रहा था क्योंकि मैं डर रही थी खुद कि कैसा होगा, कैसे टेस्ट में होगा। क्योंकि बाकी के जो केक होते हैं उसमें आप जो क्रीम लगाते हो वो व्हिप क्रीम होता है और वो एकदम मीठा होता है, मतलब सब लोग खा लेते हैं। बट इसमें क्या है ना, जैसे कि आप अगर आप रेड वेलवेट केक बनाते हो ना तो उसके अंदर जो आप क्रीम लगवाने होती है ना तो वो चीज़ क्रीम जो होती है वो डिफरेंट मिलती है, वो लगवानी पड़ती है, वो अप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो रेड वेलवेट केक जो है वो अच्छी तरीके से बन जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कैसा लगेगा क्या लगेगा, बट ऑनेस्टली मैंने अभी एक केक खुद ने भी टेस्ट किया है, बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, जैसे कि हम नॉर्मल जो पेस्ट्रीज खाते हैं ना उसे थोड़ा सा अलग लगता है। बट यस, एक टाइम के लिए मतलब कभी कभार अगर आप बनाओगे, कोई अगर आपके घर गेस्ट आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा यूनिक सा केक अगर आप बनाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड वेलवेट केक जो आप बना सकते हो। और बहुत सारी लेडीज़ कहेंगे कि आप शीतल मैदा फिर उसके बाद उसमें वो सब कुछ दिखा के बेकिंग सोडा कितना लेना है, बेकिंग पाउडर वो सब कुछ दिखाओ, तो वो एक्चुअल में ना मैं कर सकती हूँ। बट क्या होता है ना कि इतने सारे मेरे व्लॉग होते हैं, शूटिंग करना होता है, तो वो सब कुछ करना मुझे बड़ा झंझट सा लगता है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, उससे भी मैंने केक बनाए भी है बट इतना झंझट सा लगता है, ये करो वो करो। तो ये प्रीमिक जो है वो मैंने ला के रखा था, मैंने इस वजह से आज जो है आपके साथ वही शेयर किया है। और मैंने सारे, मुझे ऐसे लगता है मोस्ट ऑफ दी, बस मैंने ब्राउनी आपके साथ शेयर की थी तो वो मैदे की, मतलब मैंने मेजरमेंट लेके वो शेयर की थी। बट वो बड़ा ये लगता है ना यार कि ये सब कुछ ले लो, क्योंकि मैदा लेना पड़ता है, बेकिंग सोडा लेना पड़ता है, बेकिंग पाउडर लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद वैनिला, इस बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको भी केक बनाना है एकदम फास्टली तो प्रीमिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हो। तो जैसे कि अभी ये रेड वेलवेट केक है, अभी आप बोलोगे कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें मैदा होता है, फिर इसके बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शुगर ऐड होती है, रेड कलर होता है, और साथ ही साथ इसमें आलमंड का जो फ्लावर होता है, मतलब आलमंड जो होते हैं मिक्स मतलब मिक्सर में ग्राइंड करके वो थोड़े से इसमें डाले जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो प्रीमिक्स है थोड़ा सा महंगा मिलता है। मुझे लगता है मैंने इतना याद नहीं आ रहा, 80 या 90 रुपीज़ में लिया था। अगर मुझे लिंक मिल जाती तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके हर एक चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हो। सो चलिए देखिएगा ये वीडियो, और थोड़ा सा भी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चलिए देखिएगा आप वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड वेलवेट प्रीमिक्स मैंने लाया है मार्केट से, 1.25 किलो का है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये प्रीमिक्स जो है 2 कप लिया है। सो आपको जितना केक, मतलब जितने आपके लोग उस मेजरमेंट से आप बना लीजिएगा। अभी हमारे घर में 4 ही लोग तो ये सफिशेंट हो जाता है 2 कप। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1.5 चम्मच जो ये जो वाला चम्मच है ना, इसका 1.5 चम्मच मैंने ऑयल जो है इसमें डाल दिया है। और ये नॉर्मल ऑयल, मतलब गरम किया गया नहीं है। फिर उसके बाद अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और पानी जो है आपको धीरे धीरे ऐड करना है, ऐसे नहीं कि एकदम पूरा पानी एकदम डाल ही दो, धीरे धीरे जैसे कि आपको ज़रूरत लगती है उस हिसाब से जो है आपको पानी डालना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, देखिए। और कितना अच्छा कलर आया है ना, रेड कलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं केक मोल्ड का जो बर्तन है उसमें मैंने ऑयल लगा लिया है, बटर पेपर भी रखवा दिया है, और ये बैटर जो है इसमें अभी मैं डाल दूंगी और ये कुछ इस तरह से मैं कर दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पतीले में ये जो केक है बेक होने के लिए रख दिया है, 30 मिनट लग जाएंगे। हाँ, और मीडियम फ्लेम पे जो है आपको गैस रखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, आज हम यूज़ करने वाले हैं अमूल चीज़ स्प्रेड, और ये इसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब भी आप रेड वेलवेट केक बनाते हो तो उसके लिए आपको अमूल चीज़, मतलब अमूल का नहीं, आप कौन से भी दूसरे ब्रांड का ले सकते हो, तो ये चीज़ स्प्रेड जो है वो लगता है।
और ये यहाँ पे जैसे कि उन्होंने लिखा है मेड फ्रॉम 100% प्योर मिल्क, तो इसको अभी मैं बाहर रख दूँगी। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले फ्रीजर से निकाला आया है इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कप जो है चीज़ स्प्रेड लिया है। तो जब भी आपको इसको बनाना होता है फ्रीज़र से एक घंटा पहले निकाल दीजिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में इसको ला दीजिएगा। और अभी इसमें हम आधा कप हाँ शुगर जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 चम्मच ही लिए थे। धीरे धीरे आपको शुगर जो है वो ऐड करनी है, और अगर आपको लगता है कि मीठा थोड़ा सा कम है तो आप इसमें और थोड़ी सी शुगर जो है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बीटर लिया है मैंने, तो बीटर की मदद से अभी हमें इसको बीट करना है। तो सबसे पहले आपको लो स्पीड पे रखना है, फिर उसके बाद आपको जो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ानी है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने इसमें और थोड़ी सी शुगर जो थी वो ऐड की थी, और अभी इसको मैं बीट कर लूँगी। यहाँ पे अभी मैं 1 कप व्हिप क्रीम जो है वो डाल रही हूँ, और आप उसी टाइम चेक कीजिएगा जब आप बीट कर लेते हैं ना कि शुगर कैसी है क्या नहीं। तो इसके लिए आपको अभी बीट करने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो ये जो अभी इसमें हमने चीज़ स्प्रे डाला ना, तो ये थोड़ा सा पतला होता है ये क्रीम थोड़ा सा। यहाँ पे अभी मैंने केक लिया है, तो ये जो केक है अभी हम 3 पार्ट में जो है वो कट कर लेंगे। ऊपर का हिस्सा जो है वो एक्सेस पार्ट है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से कट कर लेंगे। तो मैं नीचे से जो है वो कट कर लेती हूँ। तो या आज जो भी मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ जैसे कि ये नाइफ़ या फिर टर्निंग टेबल, तो उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप ये सारी चीज़ें जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे केक के ऊपर सबसे पहले मैंने शुगर सिरप जो है वो डाल दिया था, और एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम जो है वो डाल दिया है, और अभी हम इस तरीके से उसके ऊपर जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ ली है, सॉरी मैंने स्पैचुला लिया है, बच्ची आई थी, स्वामी से आई थी तो इस वजह से मैं थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। तो इस स्पैचुला की मदद से जो है आप जो है व्हिप क्रीम जो है बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फिर से व्हिप क्रीम जो है पाइपिंग बैग में भर दिया है, और नीचे से मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट कर दूँगी ताकि पूरा कवर जो है अभी हम इस कोन की मदद से कवर कर लेंगे। और उसके बाद आपको व्हिप क्रीम अप्लाई करना बहुत इजी हो जाते हैं, यानी कि उसको मतलब उसके जो एजेस वगैरह होते हैं ना वो एकदम इजी तरीके से आप लगवा सकते हो। अभी इस केक को हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और अभी यहाँ पे अभी हम न्यूट्रोजेल ले रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से लीजिएगा जितना, मतलब अभी मुझे डेकोरेशन करना है तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करना है, और यहाँ पे रेड जेल कलर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इस कलर को। और इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। मैंने फिर से थोड़ा सा कलर जो है वो डाल दिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ये रेड कलर। तो अभी पाइपिंग बैग में ये जेल जो है मैंने भर दी है, और अभी कुछ इस तरह से जो है वो डिज़ाइन में बना लूँगी। ये आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बनवा सकते हो, ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवा दी है। और फिर उसके बाद ये जो जेल है मैं स्पैचुला की मदद से जो है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी, और बाकी की जो डिज़ाइन है वो भी मैं करवा लूँगी अभी इसके बाद। यानी कि मैंने हाफ पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है जेल कलर से, तो अभी हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये वाला नोज़ल जो है वो मैंने लिया है, आप कौन सा भी नोज़ल ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसी डिज़ाइन बनवानी है। तो मैं कुछ इस तरह की जो डिज़ाइन है वो बनवा रही हूँ पूरे नीचे वाले सेक्शन में, मतलब लेस काइंड ऑफ में। तो आप केक को
किसी भी तरह से जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अभी हार्ट शेप के ये क्या बोल सकते हैं स्प्रिंकल जो है वो ले लिए हैं। आप दूसरे कलर के भी ले सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे गोल्डन कलर के बहुत ज़्यादा सूट हो जाएंगे, इस वजह से मैं वो मेरे लिए है और यहाँ पे अभी मैं रख दूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमारा रेड वेलवेट केक जो है बन के रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।